हेलो दोस्तों, देखें हमारे पड़ोसी देशों के नोट पर किसका फोटो है। जैसे हमारे तो महात्मा गांधी जी का है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे मुल्क के पड़ोसी देशों में उनके नोटों पर किसका फोटो है। तो चाइना की करेंसी युआन है, ठीक है, और ये जो फोटो है इनकी करेंसी पे युआन पे, तो इन ये है माओ जेदांग। माओ जेदांग एक चाइना के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। तो 1976 में उनका डेथ हुआ था। चाइना की आज़ादी के लिए काफ़ी कुछ किया था, तो माओ जेदांग उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से हमारे लिए महात्मा गांधी जी हैं। नेपाल, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। रुपया देखिए दोस्तों, रुपया इधर अभी पाकिस्तान के जब करेंसी देखेंगे तो पाकिस्तानी रुपया मिलेगा और श्रीलंकन रुपया मिलेगा। तो रुपया जो शब्द है वो दोस्तों, वो संस्कृत से ड्राइव हुआ है, मतलब संस्कृत से उसकी उत्पत्ति होती है ऐसा माना जाता है। तो नेपाली करेंसी है नेपाली रुपया। देखिए हिंदी भाषा में यहाँ लिखा हुआ है नेपाल राष्ट्र बैंक, रुपया 1,000 का ये नोट है। और इन्होंने क्या कर रखा है दोस्तों, जब से इधर लोकतंत्र आया नेपाल के अंदर, जब से माउंट एवरेस्ट का जो फोटो है ये हमेशा देते हैं अपने करेंसी पे, माउंट एवरेस्ट का फोटो। और यहाँ जो शेड, मतलब जो शेड दिख रहा है यहाँ पर, तो ये कोई स्मारक हो सकता है, स्थल हो सकता है, जैसे वहाँ पर मंदिर है तो मंदिर, कोई मंदिर हो सकता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम बांग्लादेश की मुद्रा को देखें, तो बांग्लादेशी टका, अब बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। तो ये जो फोटो है यहाँ पर, ये है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान से उनको जो आज़ादी मिली 1971 में, तो उसके लिए इन्होंने प्रयत्न किया था। शेख मुजीबुर रहमान शहीद हो गए थे ये, तो ये उनके फादर ऑफ नेशन है। श्रीलंका, श्रीलंका है रुपया, श्रीलंका में श्रीलंका है रुपया करेंसी है उनकी, ठीक है, मुद्रा मतलब। तो इन्होंने क्या है, किसी का, किसी आदमी का फोटो नहीं दिया है इन्होंने। ये कोई डैम है यहाँ पर, कोई स्थल है ये, और ये भी कोई डैम है, हाँ। तो और ये इन्होंने फिल्म का फ्लोरा फ्यूना, मतलब यहाँ पे कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, और एक यहाँ पर ये कोई जानवर है, आप फ्लोरा फ्यूना ही समझ सकते हैं, जिसके हाथ में तलवार है। ये श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है उनका भी ये लोगो है मतलब। दोस्तों अब हम आ गए हैं पाकिस्तान की मुद्रा पर। तो पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और इधर जो आप देख रहे हैं इन शख्स को, इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते हैं। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन कराने में इनका मेन योगदान रहा है। तो पाकिस्तान के नज़रिए से हम ऐसे समझें कि पाकिस्तान की पूरी आवाम को भारत की आवाम से इन्होंने बचाया, तो ऐसा समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान की जनता इस तरीके से समझती है इस चीज़ को, तो इसलिए इन्होंने इनका फोटो लगाया है। दोस्तों भूटान, भूटान की मुद्रा क्या है, भूटनीज, अब ये जो आप बोल सकें इसको बोल सकते हैं, मैं तो बोलूँगा इसको गुलट्रम, गुलट्रम बोलूँगा मैं इसे। और देखिए यहाँ पर जो ये ड्रैगन है, ये ड्रैगन, तो भूटान में ऐसा है दोस्तों कि इधर इंडियन रुपये भी चलता है, लेकिन बड़ी मुद्रा मतलब जिसकी जिसकी ज़्यादा वैल्यू है वो भूटनीज गुलट्रम चलता है। तो यहाँ पर इनके नोट पर फोटो है ड्रैगन की, दोनों तरफ ये ड्रैगन है, और बीच के अंदर यहाँ पर है ये धर्म का चक्र है, इसको खोडले बोलते हैं दोस्तों। ये चक्का है जो कि प्रतीक है धर्म का। अफगानिस्तान मुद्रा, अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान अफगानी। ये यहाँ पर सारे नोटों, इनके जो 50, 20, 100, 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का, 10 अफगानी का नोट, इस तरीके से ये नोट है। आप इन सभी पे देखें तो यहाँ पर भी कोई स्थल दिखाई दे रहा है हमको, कोई स्मारक है जैसे, यहाँ पर कोई, यहाँ ये कोई नदी वदी है, और ये यहाँ पे भी कोई स्थल है दोस्तों, ये भी स्थल है कोई, ये स्थल है। तो यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ तो धार्मिक स्थलों का फोटो रखते हैं नोट पे, क्योंकि धार्मिक, अफगानिस्तान जैसे देश में धार्मिक मान्यता पहले से ज़्यादा है, तो एक तरीके से कि ये फोटो को सभी मानते हैं। और धार्मिक स्थल जैसे मजार शरीफ, वो एक दरगाह है, और महमूद गजनी का मकबरा भी है यहाँ पर। तो इस तरह के स्थल यहाँ पर इनके फोटो पर, इनके करेंसी के, करेंसी में ऐसे छपे होते हैं। अब म्यांमार मुद्रा, बर्मी कयात, म्यांमार की मुद्रा है बर्मी कयात दोस्तों।
और यहाँ पर किसी का फोटो नहीं है, यहाँ पर एक ये शेर जैसा कुछ है। हाँ, ये जैसे कि आप समझ सकते हैं शेर में कुछ अलग है, ये शेर से काफ़ी अलग है। ये मेनली आपको मिलेगा किसी के गेट के बाहर, किसी स्थल के किसी गेट के बाहर मिलेगा आपको। तो ये जो है ऐसे चिंदा बोलते हैं, लॉयन लाइक मतलब लायन जैसा है, ये शेर जैसा है। तो दोस्तों ये था अपने पड़ोसी देशों का, जिनके करेंसी पे किसका फोटो है उनके। और आगे नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसके अंदर मैं यूरोप को भी कवर कर सकता हूँ, किसी को भी कवर कर सकता हूँ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो दोस्तों इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट में मुझे बताइए कि कौन से क्षेत्र का मैं आपको करेंसी के बारे में बताऊं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स।